नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे उस अग्नि के बारे में जिसके फेरे लेकर भगवान शिव और पार्वती ने शादी की थी। वह आज भी जल रही है और वह कहां पर स्थित है? त्रियुगी नारायण मंदिर, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ की यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सतयुग में माता पार्वती के साथ इसी जगह पर विवाह किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस कुंड से ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, जिसको उन्होंने साक्षी मानकर विवाह किया था। त्रियुगी नारायण मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड की वादियों के बीच बहुत खूबसूरत नजर आता है। चारों तरफ हरियाली के बीच आए हुए यात्रियों के लिए यह मंदिर उनके लिए यहाँ एक समा बांध देता है। इसकी खूबसूरती आंखों को बहुत ही ठंडा देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस हवन कुंड से निकलने वाली राख भक्तों के विवाहित जीवन को सुखमय बना देती है। हरिद्वार के पास कनखल में राजा हिमालय रहते थे, जहां माता पार्वती का जन्म हुआ था। क्योंकि वह एक पर्वत पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया था। जैसे ही माता पार्वती बड़ी हुई, उनका विवाह शिवजी के साथ इसी जगह पर किया गया था, जिस जगह को आज हम त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को इस विवाह का साक्षी बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर विष्णु जी का भी मंदिर है, जिसकी पूजा भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। वैसे तो इस मंदिर में जाने के लिए बहुत रास्ते आपको मिल जाएंगे, परंतु गौरी कुंड जाने के लिए आपको दो ही मार्ग मिलेंगे। जब आप गौरी कुंड से 6 किलोमीटर दूर गुप्त काशी की तरफ जाएंगे तो वहां सोनप्रयाग आता है। यहां से भी आप त्रियुगी नारायण मंदिर जा सकते हैं। वहां से आपको त्रियुगी मंदिर 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो एक और रास्ता है कि जो कि पैदल जाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। वहां से 100 मीटर गौरीकुंड की तरफ पहले आप जाएंगे। वहां पर आपको एक लोहे का पुल मिलेगा। उस पुल के पहले ही आपको एक गुमनाम सीपक डंडी मिलेगी, जो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। इस रास्ते से आपको आगे जाना है। यह रास्ता घने जंगल से होकर जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप थोड़ी दूर जाएंगे तो वहां आपको छोटी सी जलधारा दिखाई देती है। उससे पहले पैदल चलते आपको बहुत प्यास लग सकती है, इसलिए आप अपने साथ पानी लेकर जाएं। यह मंदिर तो देखने में बहुत खूबसूरत है ही, आप इसके साथ रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड भी देख सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।